Today we will learn our new chapter of science, that is chapter number 1, the matter in our surroundings. Let's have a recap of this chapter. What is matter? It is anything जिसका mass हो और space occupy करे उसे matter बोलते हैं. It is made up of tiny particles. Next, characteristic of matter. Particles of matter have intermolecular space, have intermolecular force of attraction. कंटिन्यूस मोशन में होता है, उसकी डिफ्यूज होने की टेंडेंसी होती है. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी. टाइप्स ऑफ मैटर. सॉलिड, लिक्विड, गैस आर टाइप्स ऑफ मैटर. सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टी वो होती है कि वो रिजिड होते हैं, हाई डेंसिटी, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होते हैं. सेकेंड, लिक्विड. दस दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप. इनकम्प्रेसिबल होती है. फ्लूडिटी, फ्लूडिटी मीन्स फ्लो कर सकते हैं और डिफ्यूजिबल होते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है. थर्ड, गैस. गैस में ना तो डेफिनेट शेप और ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है. गैस हाई कंप्रेसिबल, डिफ्यूजिबल और लो डेंसिटी के होते हैं. गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, सबसे मिनिमम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, और उनकी इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे मैक्सिमम होती है. देन नाउ चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन और मेल्टिंग. और जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है वो प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग. फ्रीजिंग मीन्स व्हाट? इट इज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एट 180 एम. When liquid is changes into gas, the process is known as vaporization, and vaporization is also known as evaporation. Now look at what is evaporation. The phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. और जब conversion of gas to liquid होता है तो वो process को कहते हैं condensation, and the process of conversion of solid to vapors is known as sublimation. Sublimation is the change of solid state directly to gaseous state without going to liquid state. And when gas is converted into solid, the process is known as deposition. And deposition is the change of gaseous state directly to solid state without going to liquid state. Plasma. Plasma means it consists of super energetic and super excited particles. ये particles ionized gases के form में होते हैं. Ionized gases means चार्ज हुई गैसेस. स्टार्स एंड सन ग्लो ड्यू टू प्लाज्मा. स्टार्स के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से उसके अंदर प्लाज्मा होता है. व्हाट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट? इट इज फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस. कैसी गैस? जो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की होती है. नॉर्मल एयर की डेंसिटी का अबाउट 100,000 पार्ट कूल करके सुपर लो टेम्परेचर में लाने से वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्रिएट होता है. नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड एट 180 एम एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट 1 kg सॉलिड को लिक्विड में 1 atmospheric प्रेशर पे कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं. एंड स्केल ऑफ टेम्परेचर. एक केल्विन स्केल होती है और एक सेल्सियस स्केल होती है. केल्विन को कैपिटल के से डिनोट करते हैं, सिमिलरली सेल्सियस को कैपिटल सी विद डिग्री के साइन से डिनोट करते हैं. फॉर्मूला टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन इज टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.16. इधर 273.16 क्यों लेते हैं? बिकॉज इट इज इक्वल टू 0 degree सेल्सियस. देन फॉर्मूला टू कन्वर्ट केल्विन टू सेल्सियस इज टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.16. मीन्स सिंपली अगर टेम्परेचर को केल्विन में फाइंड करना है और सेल्सियस में दिया है तो सेल्सियस में 273 को ऐड कर देना होता है. इधर 0.16 कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि अगर जब 273.16 को राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर होगा 273. इसलिए अगर जब केल्विन में फाइंड करना है तो सिंपली 273 को सेल्सियस में ऐड करना है, और जब सेल्सियस में फाइंड करना है टेम्परेचर तो केल्विन से सब्ट्रैक्ट करना है 273, तो हमें हमारा सेल्सियस मिल जाएगा. नाउ लेट्स कम टू चैप्टर्स एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल. टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट, 293 केल्विन.
293 केल्विन में सीधा 273 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। सिंपली 2470 केल्विन के साथ भी वही करना है, 273 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आंसर आ जाएगा हमारा 197 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। इधर केल्विन स्केल में टेम्परेचर फाइंड करना है, सो सेल्सियस में 273 सिंपली ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। सेकंड, 373 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 273 केल्विन ऐड करेंगे तो 646 केल्विन आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेप्थेनियम बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉल्यूट। नेप्थेनियम बॉल्स जो कॉकरोच के लिए घरों में रखी जाती है वो कुछ टाइम बाद डिसअपीयर हो जाती है विदाउट लीविंग एनी सॉल्यूट। नेप्थेलिन बीइंग अ सब्लिमेबल सब्सटेंस कन्वर्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसीय स्टेट बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। मींस नेप्थेलिन सराउंडिंग में से हीट एब्जॉर्ब करके सॉलिड में से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कौन सा प्रोसेस यूज करके, सब्लिमेशन के प्रोसेस को यूज करके। नेप्थेलिन बॉल्स कन्वर्ट हो जाते हैं नेप्थेलिन वेपर्स में जो धीरे से एयर में डिसअपीयर हो जाते हैं, हेंस नो रेसिड्यू इज लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। सेकंड, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। द स्मेल और अरोमा ऑफ परफ्यूम रीचेस सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू द फास्ट डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम थ्रू एयर। मीन्स अरोमा मीन्स स्मेल, जो परफ्यूम की स्मेल के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं। इफ वी आर सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे मीन्स फार अवे ऑल्सो, देन ऑल्सो वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। फोर, arrange the following substances in the increasing order of forces of attraction between the particles, water, sugar and oxygen. Force of attraction solid में सबसे ज़्यादा होता है और liquid में solid से कम होता है और gaseous particle में force of attraction सबसे minimum होता है। Here water is liquid, sugar is solid and oxygen is gas. In question it is told that write these three particles in increasing order. So हमारा आंसर होगा ऑक्सीजन विल बी स्मॉलर देन वाटर एंड वाटर विल बी स्मॉलर देन शुगर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, मींस कौन से टेम्परेचर में फिजिकल स्टेट क्या होगा वो बताना है। सो फर्स्ट 25 डिग्री सेल्सियस में जो फिजिकल स्टेट होगा वो लिक्विड स्टेट होगा। सेकेंड, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज द टाइम टू कन्वर्ट सॉलिड इन टू लिक्विड। आंसर, सॉलिड और लिक्विड स्टेट डेट इज ट्रांजिशन स्टेट, सो उस टाइम फिजिकल स्टेट सॉलिड या लिक्विड में से कोई एक होगा। थर्ड, 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, डेट इज द टाइम टू कन्वर्ट लिक्विड इन टू गैसियस स्टेट। आंसर, लिक्विड और गैसियस स्टेट मीन्स ऑन डेट टाइम द फिजिकल स्टेट विल बी आइदर इन लिक्विड और इन गैसियस स्टेट। क्वेश्चन नंबर 6, give two reasons to justify. First one, water at room temperature is a liquid. Water room temperature में liquid क्यों होता है? उसके लिए reasons देने। Answer, what is liquid at room temperature as? तो हमें liquid की properties बतानी फिर। A, it has a tendency to flow. उसकी flow होने की tendency, that is आदत होती है। B, it takes the shape of the vessel in which it is filled, but its volume does not change. Second, an iron almirah is solid at room temperature. Answer, an iron almirah is solid at room temperature because now here we need to show two properties of solid. A, it has definite shape and volume. Uski definite shape hota aur volume hoti hai. B, it is hard and rigid. Question number 7. Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? Means 273 Kelvin में ice क्यों ज़्यादा effective होती है cooling में as compared to water at the same temp 273 Kelvin temperature? So answer, when ice melts, ice इधर क्या है? Solid. It absorbs the energy equal to the latent heat of fusion from the surroundings. So it causes cooling more effectively than the water at the same temperature. That is because water क्या है? Liquid. Does not absorb energy from the surrounding. Question number 8. What produces more severe burns? Boiling water or steam? That is, boiling water or steam में से कौन ज़्यादा severe burns produce करते हैं? Answer.
आंसर होगा हमारा स्टीम। स्टीम कॉजेज सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। इसके पीछे रीजन ये है कि वेपराइजेशन के टाइम पे वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, मतलब लेटेंट हीट रिलीज कर देते हैं। Now the last question is, name A, B, C, D, E and F in the following diagram showing changes in its state. ये diagram में कुछ processes हो रहे A, B, C, D, E and F, तो उसके names बताने हैं। Process A में क्या हो रहा है? Solid liquid में convert हो रहा है, so ये process का name है melting, या तो melting को fusion भी कहा जाता है। B process में liquid gas में convert हो रहा है, so this the name of this process is evaporation or you can say vaporization. C में gas लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, सो दिस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन को लिक्विफिकेशन भी कह सकते हैं। डी प्रोसेस में हो रहा है लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सो आंसर होगा हमारा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग को सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। ई में हीट इंक्रीज हो रही है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सो ये प्रोसेस का नेम है सब्लिमेशन। एफ में हीट डिक्रीज हो रही है बट प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, सो ये प्रोसेस का नाम है डिपोजिशन। थैंक यू।